टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे मटन बिरयानी। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए, कोई भी बासमती राइस आप ले लें। मटन चाहिए आपको, मैंने 1 किलो चावल लिया हुआ है और उसके साथ मैंने मटन लिया हुआ है 1 किलो। प्याज आपको बारीक कटा हुआ चाहिए, सरसों का तेल, आलू ऐसे छोटे छोटे जो आलू होते हैं उसको साबुत ऐसे मैंने छील लिया है, अच्छे से धो के साफ कर लिया है। मेरे को चाहिए 250 ग्राम घी, साथ में मेरे को जो मसाले ड्राई पाउडर है उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में आपको चाहिए अदरक किसा हुआ, लहसुन का पेस्ट, करीब मैंने 1.5 चम्मच अदरक और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। साथ में आपको चाहिए बिरयानी मसाला, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, अगर नहीं चाहते हैं तो घर में भी आप बना सकते हैं। साथ में आपको चाहिए जो केवड़ा पानी होता है वो, साथ में आपको थोड़ा सा फ्रूट कलर चाहिए, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेड भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रोज़ वाटर और जो सैफ्रन होता है वो सैफ्रन, चाहे आप इस तरह से भी मार्केट में मिलता है, आपको इस तरह से भी मार्केट में मिल जाएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सैफ्रन ले लें। चलिए बनाना शुरू करेंगे। सरसों तेल पहले डाल लें, जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आप डाल लें प्याज। चार बड़े प्याज मैंने इसमें यूज किया है। प्याज को पकाते साथ ही हम लोग 2 मिनट पहले इसको पका लेंगे और समय थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी नरम पड़ जाए। एक मिनट इसको भून लें, जैसे 1 मिनट ये भुना जाए तो फिर हम लोग इसमें डाल लेंगे जो लहसुन का पेस्ट हम लोगों ने रखा था, वो लहसुन का पेस्ट, और लहसुन को भी हम लोग प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हो गया है फ्राई करते हुए, अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो किसा हुआ अदरक हमने रखा था, वो किसा हुआ अदरक, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। डालने के बाद फिर 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए अदरक प्याज सब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग जो मटन है उसको हम लोग डाल देंगे और अच्छे से इसको अदरक लहसुन और प्याज के साथ मिला लेंगे। इसमें हम लोग डालेंगे सारे जो ड्राई मसाले हैं हमारे, वो मसाले सबसे पहले आप डाल लें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में बचा हुआ जो नमक है वो नमक। अब इन सारे मसालों को हम लोग मटन के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से मटन के साथ उसको मिला लें। और 2 मिनट के लिए इसको फिर फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मेरे को इसको फ्राई करते हुए, देखिए इसका तेल भी अब छूटने लग गया। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो बिरयानी मसाला हम लोगों ने रखा हुआ था, वो बिरयानी मसाला, और इसको मिला के 2 मिनट के लिए फिर फ्राई करेंगे, लगातार चलाते हुए फ्राई करिए। देखिए 2 मिनट मैंने फिर से इसको चला के अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब हम लोग इसको डाल देंगे जो कटे हुए आलू हम लोगों ने रखा है, वो आलू आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी, पानी उतना ही डालें जितना हम लोग को मटन को पकाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों को ये ग्रेवी वाली बिल्कुल भी नहीं बनानी है।
अब इसको हम लोग लीड बंद करेंगे और इसको दो सीटी लगा लेंगे। जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक हम लोग चावल को बना लेते हैं। मैंने 1 किलो चावल लिया हुआ है, मतलब 4 ऐसे ग्लास में मेरे 4 ग्लास चावल आया हुआ है, तो इसी ग्लास से नाप के 7 मैंने पानी लिया हुआ है, 7 ग्लास। और चावल को लेने से पहले चावल को अच्छे से वॉश कर ले ताकि चावल बिल्कुल साफ हो जाए। अब इसमें हम लोग कुछ दालचीनी छोटे छोटे टुकड़ा करके, कुछ जो गोल मिर्चा होता है वो 2-3 ऐसे इलायची के जो दाने होते हैं छोटे वाले वो, और कुछ लौंग हम लोग इस पे डाल लेंगे और इसको हम लोग बनने के लिए रखेंगे, इसको हम लोग पका लेंगे। जैसे पानी हल्का सा गर्म होने को आएगा उस समय आप इसमें मिला लें नमक, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मटन में भी हम लोगों ने नमक डाला हुआ है तो उसी हिसाब से आप नमक डाल लें और इसको अच्छे से चला लें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ें। जब तक चावल पक रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा दूध ले लें और इसको गुनगुना कर लें, और जो केसर हम लोगों ने लिया था उस केसर को हम लोग इसमें भिगो लेंगे। ये दूध में आप केसर को भिगो लें और इसको 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि केसर जो है अच्छे से घुल जाए और इसका कलर और खुशबू दोनों ही बाहर आ जाए। देखिए हमारा चावल भी करीब करीब उबलने लग गया है, अब थोड़ा सा और उबलेगा तो हम लोग इसको सिम करके पकने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग थोड़ा सा दूध और ले लेंगे और उस पे जो फ्रूट कलर होता है वो हम लोग डाल के तैयार कर लेंगे। घोल के रखा है दूध में, इसी में ही जो केवड़ा पानी है वो हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे, 2 से 3 बूंद। ये देखिए इतना ही हम लोग को लेना है, ज्यादा मत डालिएगा वरना कड़ू हो जाता है। और साथ ही में हम लोग डालेंगे जो रोज वाटर होता है वो भी 2 से 3 बूंद और इसको हम लोग मिला के रख लेंगे। देखिए हमारा मटन भी बन गया है, चावल भी पक के तैयार है, और हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। बड़ा सा एक बर्तन ले ले और उसमें आप डाल ले थोड़ी सी घी। ये घी इसलिए ताकि नीचे से ये पकड़े नहीं। आप घी को इस तरह से घुमा ले पूरे बर्तन पे। अब इस पे हम लोग एक लेयर लगा लेंगे जो चावल हम लोगों ने हाफ डन करके रखा हुआ है उसका। बन जाए उसके बाद हम लोग डाल लेंगे एक मटन का लेयर। साथ ही हम लोग डाल लेंगे कुछ आलू। अब इसमें आप डाल ले 1 चम्मच घी चारों ओर से घुमाते हुए। अब साथ में हम लोग इसी में डाल देंगे जो कलर हम लोगों ने घोल के रखा है वो कलर, और साथ ही साथ जो सैफ्रन हम लोगों ने दूध में मिला के रखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है सैफ्रन का। अब ये सैफ्रन पानी भी हम लोग इसमें डाल लेंगे। फिर से एक चावल का लेयर लगाएंगे
लेयर फिर लगा लिया है, फिर से हम लोग मटन का और एक लेयर लगा लेंगे। जैसे प्रीवियस लेयर हम लोग लगाए हैं उसी लेयर को हम लोग रिपीट कर लेंगे। चिकन का मटन का लेयर लगाने के बाद हम लोग वापस आलू डाल लेंगे। और फिर वापस हम लोग उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए एक चम्मच घी डालेंगे, डालेंगे थोड़ा सा सैफरन वाला पानी, साथ में फ्रूट कलर और जो केवड़ा पानी हम लोगों ने मिला कर रखा हुआ था वो, और लास्ट में ऊपर टॉप लेयर बनाएंगे चावल का। चावल वाला लेयर एक डाल लिया है, अब इस पे हम लोग मिला देंगे जो बचा हुआ केसर का दूध है अपने पास, वो बचा हुआ केसर का दूध पूरा चारों तरफ से घुमा के डालें। और साथ में जो फ्रूट कलर हम लोगों ने रखा हुआ था वो फ्रूट कलर, अब ऊपर से डालेंगे हम लोग एक चम्मच घी, एक से डेढ़ चम्मच घी डालें और इसको हम लोग ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको मैंने गैस पे बैठा दिया है, अब इसको मैं ढक दूंगी और साथ ही साथ गैस का जो फ्लेम है इसको मैं बिल्कुल लो मीडियम पे कर दूंगी ताकि ये 20 से 25 मिनट के लिए ये पके। देखिए ये बिरयानी हमारी बिल्कुल डन है, अब इसको हम लोग निकाल के सर्व कर लेंगे। लीजिए बनके तैयार है मटन बिरयानी, इसको आप रायता या फिर चिकन चाप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।